आदरणीय दर्शक बंधुओं, जय श्री राम। मैं रामलीला समिति व्यवस्थापक सुनील कुमार राय आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि आज हमारे समिति का दूसरे दिन का कार्यक्रम सायं 7 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। आज हमारे समिति का दृश्य राम जन्म ताड़काबध तक चलेगा और बहुत ही मनोरम दृश्य हमारे समिति के पर्दे पर आज दिखाई देगा। आप दर्शक बंधु, समय से आप लोग रामलीला मैदान में उपस्थित होकर के हमारे समिति के कार्यक्रम का आनंद लें और पात्रों का उत्साह वर्धन करें। हम प्रयास करते हैं कि हमारे समिति के जो लोग हमारे गांव के, हमारे क्षेत्र के बाहर हैं, उनको मैं लाइव के द्वारा जोड़ता हूं। चाहता हूं कि हमारे रामलीला का कार्यक्रम सभी लोग देखें। जो लोग घर पर रह जाते हैं, नहीं आ पाते हैं, लाइव के माध्यम से हम उन लोगों को भी अपने समिति का कार्यक्रम दिखाते हैं। और हमारे समिति का आज बहुत बढ़िया दृश्य, आज राम का जन्म होगा, उसके बाद विश्वामित्र जी के द्वारा राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को आकर के ले जाना, जाने के बाद बीच में जो ताड़का नाम की राक्षसी पड़ती है उसका भगवान के द्वारा वध किया जाएगा। उसके बाद जब सूचना मिलेगी कि ताड़का मारी गई, तब सुबाहु मारीच द्वारा रास्ते में हमला किया जाता है। उसके बाद उन लोगों का, सुबाहु का वध हो जाता है और मारीच भगवान के बाणों से कई योजन दूर जाके गिर जाता है। यह कार्यक्रम हमारा यहाँ तक हमारे दृश्य चलेगा और बहुत बढ़िया दृश्य चलेगा। आप दर्शकों से निवेदन है कि समय से करीमदीनपुर रामलीला समिति के मैदान में उपस्थित होकर के इस प्राचीन रामलीला समिति के कार्यक्रम को देखें और हम लोगों का उत्साह वर्धन करें। जय श्री राम।